देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बट देयर इज सीरियस प्रॉब्लम विद मिस्टर अरविंद केजरीवाल। वो ऑड डे पर कुछ और होते हैं और इवन डे पर कुछ और होते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो ऑड डे पर क्या है और इवन डे पर क्या है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ऑड इवन इन्हीं की पॉलिसी थी, लेकिन इनकी पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि इनके मन में भी कुछ और पॉलिसी चलती है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और कभी कभी दरअसल समाज के लिए समस्या पैदा हो जाती है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जब कोरोना संक्रमित मिले हैं तो उससे एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और जब ये रैलियां कर रहे थे तब ये खांसते हुए भी नजर आ रहे थे, सिम्टम्स भी नजर आ रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे। जब एक तरफ अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर को देश के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब हम सभी को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की जरूरत है, वैक्सीनेशन करने की जरूरत है और पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है, तब वो ये नहीं बताते कि ये सिर्फ आम लोगों पर लागू होता है। नीचे कंडीशंस अप्लाई #, ये नहीं लिखा होता कि ये नेताओं पर लागू नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी लगातार रैली करते रहे जबकि वो कोरोना सिम्टम्स से ग्रसित थे, वो खांसते हुए नजर आ रहे थे, तबियत हल्की हल्की नासाज नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद हिज फर्स्ट फोकस वॉज टू विन इलेक्शंस। दर्शकों, इलेक्शंस जीतने की इतनी तरबियत थी कि वो रैलियां करते रहे। एक तरफ वो ईमानदारी का तमगा लेकर खुद घूमते हैं, खुद को स्वघोषित ईमानदार, इंडिया का नंबर वन ईमानदार बताते हैं, लेकिन दर्शकों आज की स्थिति की बात करूं तो सिर्फ ओमिक्रॉन और मिस्टर अरविंद केजरीवाल, 2020 की बात करूं तो सिर्फ कोरोना वायरस और तबलीगी जमात, और आज सिर्फ ओमिक्रॉन, अरविंद केजरीवाल, खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहती हैं कि देश के लोग कोरोना से संक्रमित। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज उन्होंने एक ट्वीट किया और बताया कि वो कोरोना संक्रमित है। 28 दिसंबर को वो बता रहे थे कि कोरोना से संक्रमित ना हो इसके लिए क्या कुछ करना है, खुद कुछ नहीं किया, बस बता रहे थे, आपको बता रहे थे, मुझे बता रहे थे। एंड व्यूअर्स, दिस इज सो एब्सर्ड। ये कुछ फोटोज दिखाता हूं, ये फोटोज एक एल्बम की तरह है। इन फोटोज को देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी ट्विटर पर फोटोज डाल रहे थे और दिखा रहे थे कि वो कहां किस रैली में। ये देखिए, अमृतसर स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री तीर्थ मंदिर की पवित्र जगह पर रैली। जो लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं उनके मंसूबे पंजाब की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। ये रैली नए साल में उत्तराखंड नव निर्माण के संकल्प के साथ देहरादून में नव परिवर्तन रैली, लखनऊ में रैली, ये सब रैलियां मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे। अब एक वीडियो दिखाता कि उस रैली में भीड़ कितनी थी। तस्वीरों से अंदाजा लग सकता है लेकिन वीडियो के जरिए देखिए कि भीड़ कितनी थी। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल जी जब ये रैली कर रहे थे तब दरअसल वो कोरोना साथ लेकर घूम रहे थे, इतने सारे लोगों के बीच में खुद कोविडियट बनकर घूम रहे थे, खुद कोरोना साथ लेकर घूम रहे थे, सिम्टमैटिक। मैं ये सिम्टमैटिक वर्ड जानबूझकर यूज कर रहा हूं क्योंकि आई नो कि वो सिम्टमैटिक थे। देश में कोरोना 2020 के बाद जब से अभी तक आया है, एक बच्चा भी जानता है कि खांसी अगर है तो उसका लक्षण कोरोना भी हो सकता है, वो खुद भी बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना के लक्षण लेकर घूम रहे थे, खांस रहे थे। ये मैं खुद नहीं कह रहा, वीडियो का प्रमाण है मेरे पास, इस वीडियो को देखिए जरा। तो बिल्कुल, भगवान मान अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और विक्ट्री मार्च है, मास्क दिया जाएगा, तस्वीरें दे सकते हैं यहाँ पर पहुंचकर विक्ट्री मार्च।
दर्शकों, ये पंजाब की तस्वीरें थी जहां पर अरविंद केजरीवाल जी खांसते हुए नजर आ रहे थे और लोगों ने टोका भी था, रोका भी था कि अब अरविंद जी रुक जाइए, जो आप बोलते हैं उसको बिल्कुल गलत साबित कर रहे हैं, आप रंग बदलते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा कई दफा देखा गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि वो संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में जो लोग उनसे मिले वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, क्वारंटीन कर ले, वो लोग अपना टेस्ट करवा ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किसके लिए बोल रहे हैं, वहां तो हजारों लाखों की जनता है। चलिए जनता छोड़िए, ये चार तस्वीरें आप मेरे आजू बाजू, ये चार तस्वीरों के जरिए आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान के साथ थे, भगवंत मान के साथ, और कह रहे थे कि अब मैं तो कोरोना संक्रमित मिल गया हूं, आप क्वारंटीन कर लीजिए अपने आप, अपना टेस्ट करा लीजिए। लेकिन ताज्जुब देखिए, जोक देखिए कि भगवंत मान साहब आज ही रैली करते हुए देखिए। अरविंद केजरीवाल साहब एक तरफ, संजय सिंह के साथ बीते दिनों देखे गए, अब अरविंद केजरीवाल साहब कोरोना संक्रमित मिले हैं तो संजय सिंह को क्वारंटीन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी रैली करते हुए। तो हर तरफ ड्रामेबाजी की कोई लिमिट नहीं, देयर इज नो लिमिट। ये चार तस्वीरें साफ करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी यहां क्या कह रहे थे, भगवंत मान के साथ दिखाई दे रहे थे और उसके तुरंत बाद आज भगवंत मान रैली कर रहे हैं, जबकि वो कल अरविंद केजरीवाल साहब के साथ थे। मतलब आज वो कोरोना लेकर घूम रहे हैं लोगों के बीच, दिस इज अ सीरियस क्राइम। और साथ ही साथ संजय सिंह जी, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, लेकिन आज वो भी रैली करते हुए लोगों के बीच घूम रहे हैं, कोरोना लेकर घूम रहे हैं, जबकि इन सभी लोगों को खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्वारंटीन हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतना है, ड्रामा तो अलग है, वो तो वीडियो के जरिए सामने आ जाएगा, लेकिन चुनाव भी तो जीतना है। तो ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज दिखाता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल जी समय समय पर कैसे रंग बदलते हैं, एंड फॉर अ सरप्राइज कि वो इतना रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता। ये चार तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, ये वीडियो क्लिपिंग्स चार, इन चार वीडियो क्लिपिंग्स के जरिए आप देखिए कि हर रोज सुबह उठकर अरविंद केजरीवाल साहब दुग्गल जी की तरह, आज कुछ और होते हैं, कल कुछ और होते हैं, परसों कुछ और होते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा, वीडियो ऑन द स्क्रीन प्लीज। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे, वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो रूप खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। आज यहाँ हजारों लोग जो आप आए हैं, आप सब लोग पंजाब की उम्मीद हैं, आप सब लोग हमारी उम्मीद हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने कम समय में, हमने तीन दिन पहले आह्वान किया था, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, यही पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद तुम संघर्ष करो। सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। जिन्होंने इस देश की राजनीति जो पूंजीपतियों के कमरों में बंद थी उसको आम आदमी तक पहुंचाने का, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। एक्स सर्विसमैन है, बहुत खुशी की बात है, लोग आए जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं दूर तक लोग आते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने सभी लोगों के लिए जो इतना समय निकाल के दूर दूर से आ रहे हैं। मजाक भी 2 मिनट का मौन धारण कर लेगा, मजाक भी शायद 2 मिनट के लिए ठहाके मार मार के हंस लेगा अगर इन तस्वीरों को देख रहा होगा। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल जी टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि आप सब बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। और वही अरविंद केजरीवाल, द सेम अरविंद केजरीवाल, 31 दिसंबर को पंजाब में एक भीषण रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग आए। वही अरविंद केजरीवाल, सेम अरविंद केजरीवाल, नॉट हिज पैरोडी, नॉट हिज ट्विन, सेम अरविंद केजरीवाल, वो 2 जनवरी को लखनऊ में एक भीषण जनसभा को संबोधित करते हैं।
द सेम अरविंद केजरीवाल, वो 3 जनवरी को उत्तराखंड में रैली को संबोधित करते हैं। एंड द सेम अरविंद केजरीवाल केम अप टू बी कोरोना पॉजिटिव ऑन 4th of January। दिस इज आवर चीफ मिनिस्टर फॉर यू व्यूअर्स, या आपके एक मुख्यमंत्री जो आपके साथ मजाक नहीं कर रहे तो फिर क्या करें। और जहां मजाक होता है तो वहां एक ना एक व्यक्ति मूर्ख होता है, या तो आप सब मूर्ख, या तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, या फिर आप बन रहे, या फिर आप पहले से, आप खुद डिसाइड करिएगा, डिसाइड करिएगा। लेकिन अब जब मैंने बोल ही दिया कि ये आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक और मुख्यमंत्री को बनाने की कवायद चल रही है। पंजाब में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत गर्माता है, जब से उड़ता पंजाब हमने आपने सबने देखी है, उड़ता पंजाब मूवी जिसमें शाहिद कपूर, आलिया भट्ट बहुत शानदार अभिनय किया था, उस मूवी में दिखाया गया था कि किस तरीके से पंजाब को ड्रग्स, अल्कोहल और नशे ने जकड़ रखा है। इस जकड़न को पूरे देश ने समझा और यह तब से सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को प्रमुखता दी तमाम नेताओं, सबने कहा कि हम नशे की गिरफ्त से युवाओं को अलग करेंगे, हम पंजाब को नशे की गिरफ्त से बाहर लाएंगे। और गिरफ्त से बाहर लाने के बीच दर्शकों, आज मुझे एक खबर मिली है कि अरविंद केजरीवाल का सीएम का फेस भगवंत मान साहब हो सकते हैं। भगवंत मान साहब कौन है? फोटोज ऑन द स्क्रीन प्लीज। तो भगवंत मान साहब ये हैं। तो ये भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से पंजाब का सीएम फेस हो सकते हैं, जो कि पंजाब को नशे की गिरफ्त से दूर करेंगे। ये भगवंत मान साहब, जिनके बारे में खबरें भी शानदार छपती हैं, ये शराब से मुक्ति दिलाएंगे, ये नशे से मुक्ति दिलाएंगे पंजाब को। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो यह मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन दर्शकों, घबराने की बात नहीं है, यह सरकार चला लेंगे या नहीं चला लेंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन जैसा कि हम पहले से थोड़ा गुड़ा भाग करते हैं, तो हम बताते हैं कि अगर यह सरकार चलाएंगे तो किस तरीके से सरकार चलाएंगे। इस वीडियो के जरिए देखिए। आम घरेलू वाली जो दुकाना ने वो 8 बजे बंद हो जाए ने, पर ठेके जड़े रात के 11-12 बजे तक खुले रहते। थोड़ा की कहना है? सौ खाओ। हाँ जी बिल्कुल जी, 11 बजे। लो मैं सौदे ले आवा जी। की है वीर सौदा लैन गया? कमेंटा च दसो। दर्शकों, इस तरीके से सरकार चलेगी। अब आप खुद सोच लीजिए कि नेता आपसे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे डू। नायक मूवी थी, उसमें अनिल कपूर साहब थे, वो एक सीएम साहब का इंटरव्यू लेते थे। वो मूवी बिल्कुल सच है, वो मूवी बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। वो मूवी आपको दिखाती है कि नेता क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। 1% लोग देश में सबसे अमीर है, बाकी 99% लोग लेबर क्लास है, मिडिल क्लास है, आम लोग, आम जो चूस दिया जाता है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी भी चूस कर आम खाते हैं, वही वाला। ऐसे ही एक और लॉबी है, ये लॉबी है नेताओं की। आप आजकल सुनते होंगे विपक्ष के लोग खूब हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन ये सब साथ में बैठकर गुड़ चना, दलाई मखनी सब खाते हैं, ये इमरती खाते हैं। तो भगवंत मान साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री बना सकती है आम आदमी पार्टी, ये खबर में है। भगवंत मान साहब खुद नशा छुड़ा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक जगह मंच पर खड़े होकर कहा था कि भगवंत मान साहब ने सबसे बड़ा एहसान किया है जनता पर, उन्होंने शराब छोड़ दी है। तो शायद शराब छोड़ दी, अब छोड़ दी होगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे और शायद पंजाब को भी शराब से मुक्ति दिलाएंगे। पंजाब तो पंजाब, लेकिन उत्तराखंड में भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में पहुंचकर कहा कि मुझको बताया गया है कि सबसे ज्यादा सैनिक अगर कोई जगह भेजती है तो वो यहीं से जाते हैं। कुछ दिनों पहले वो किसी और जगह से बात कह रहे थे कि सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं से भेजे जाते हैं तो वो यहां से भेजे जाते हैं। ये एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, और एक्सपोज करती है ये उनकी वीडियो। इस वीडियो को जरा चलाइएगा, टू विन वीडियो। मुझे आज कुमार विजय प्रताप जी बता रहे थे, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। कोटियाल साहब ने बताया कि
भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। तो ठीक है, पहले पंजाब में बोला कि सबसे ज्यादा सैनिक यहां से जाते हैं, फिर उत्तराखंड में बोला कि सबसे ज्यादा सैनिक यहां से जाते हैं। मतलब मीडिया नहीं है, मतलब उत्तराखंड की जनता को पता ही नहीं चलेगा कि पंजाब में दरअसल अरविंद केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, या फिर पंजाब की जनता को नहीं पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल साहब उत्तराखंड में क्या कह रहे हैं। पंजाब की स्क्रिप्ट और उत्तराखंड की स्क्रिप्ट सेम है, क्योंकि समय कम है, स्क्रिप्ट राइटर शायद कम होंगे, इसलिए स्क्रिप्टिंग में सेम कॉमन स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट पंजाब में छेप दी गई वही स्क्रिप्ट उत्तराखंड में छेप दी गई, तो सेम स्क्रिप्ट वाले अरविंद केजरीवाल साहब को आप देख रहे थे। अब हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ने थे, एक थे वैभव अग्रवाल साहब बीजेपी से हैं और दूसरे थे हमारे साथ अनुरोध प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी से। जब मैं कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन कर रहा था तब आम आदमी पार्टी के अनुरोध प्रताप सिंह ने बिल्कुल अभी जैसा कि मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि ये सब आप क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या है। खैर मैंने एक एक बात जो बोली वो विद प्रूफ बोली, एक एक प्रूफ के साथ, लेकिन खैर वो चले गए बीच से छोड़कर, नाराज हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बाकी तो सब भोलेनाथ हैं। वैभव अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी आपके एक संगी साथी आए थे लेकिन वो नाराज हो गए, वो चले गए, तो ठीक है। मैं बस इतना जानना चाह रहा था क्योंकि आप भी नेता हैं, राजनीति करते हैं, मुझे राजनीति के बारे में इतना पता नहीं है, दूर दूर से देखी है, कभी की नहीं, तो बस इतना बताइए कि वो कौन सा मुखड़ा है जिस मुखड़े के साथ अरविंद केजरीवाल साहब 28 दिसंबर को कहते हैं कि जनता को घर से बाहर नहीं निकलना है, जनता को मास्क लगाकर रखना है, जनता को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, फिर अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर को एक रैली करते हैं पंजाब में और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत थैंकफुल हूं आप लोगों का कि आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर आए। सेम अरविंद केजरीवाल 2 जनवरी को लखनऊ में कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में फिर मेरे सामने आए। फिर अरविंद केजरीवाल साहब 3 जनवरी को उत्तराखंड में कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतना अपार सहयोग कर रहे हैं मुझे। तो ये कौन सा सहयोग है जो अंदर खाने वो करते हैं और वो कौन सी बात है जो वो टीवी पर कहते हैं। सेम चीज एक और पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल 2 है क्या, 2 अरविंद केजरीवाल है, ट्विन है या पैरोडी है, क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। कविंद्र भाई अपन ने वो देखा तो था जो गोलगप्पे चाट खिलाने वाले कहां से, इंदौर से हैं, कहां से हैं। वो अरविंद केजरीवाल की डुप्लीकेट वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा चला था, एक अपने भाई ने भोपाल से या कहां से भाई ने अपने वो डाला था, एक चाट वाले हैं। तो वो केजरीवाल चाट वाले हैं और वो केजरीवाल चाट वाले से पूछा था कि आप क्या अरविंद केजरीवाल की तरह सीएम बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब क्या था, उनका जवाब था कि भाई साहब कुदरत का करिश्मा है कि मैं दिखता तो हूं, मिलने की इच्छा जरूर रखूंगा लेकिन वैसी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में स्कूलों में इलाज करवा दिया है ना, आपको अभी जो क्लिप आपने दिखाया था उसी क्लिप में ये बोला था कि दिल्ली में मेरे सारे इलाज होगा, किसी को बिस्तर की चिंता करने की जरूरत नहीं है और मेरे स्कूलों में सारा इलाज होगा। पढ़ाई तो होती नहीं है दिल्ली में, अब स्कूलों में इलाज करने लग गए हैं तो अस्पतालों में पढ़ाई करने लग गए होंगे, है ना। अब अरविंद केजरीवाल एक तरफ स्कूलों में इलाज करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली को शराब का एक केंद्र बना देते हैं। अपन सब दिल्ली वालों ने, चलो ठीक है एनसीआर का जो माहौल है वो है, लेकिन दिल्ली को एक प्रदेश को यहाँ पे हमेशा से ये रहा है कि दिल्ली में किसी भी सरकार ने ना जनता ने शराब के केंद्र बनने के लिए दिल्ली को स्वीकारा है। दिल्ली में शराब और तंबाकू हमेशा दूर दूर रहे, दिल्ली एक शहर में, दूसरी ओर केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं कोरोना में, हमें कुछ नहीं दिया, हमें बेड्स नहीं है, हमें कुछ नहीं है, और हम जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, हाय मैं बेचारा मर जाऊं मैं तेरे ऊपर लाल, ठीक है। और दूसरी तरफ हजारों लोगों को कोरोना में होने के बावजूद उनकी जिंदगियों को जोखिम में डालते हैं, ठीक है। कोरोना पर एक और सवाल करूंगा लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा बहू जी कि भगवंत मान को सीएम का फेस पंजाब में बनाने की बात चल रही है, तो भगवंत मान सीएम फेस और पंजाब को नशे से मुक्ति दिलानी है।
ये सब एक लाइन में फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कविंद्र भाई, आप सही सही उसमें क्या कह रहे हैं, सही सही ट्रेन के उसमें डब्बे में चढ़े हुए हैं और सही ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेल में से एक चोर जो बंद है उसको निकाल के मैं तिजोरी की चाबी हाथ में थमा दूं कि भाई तू रक्षा कर ले, तो ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, और एक और चीज पूछना चाहूंगा वैभव जी आपसे, अब अरविंद केजरीवाल जी कोरोना पॉजिटिव मिले, हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आप भी प्रार्थना करते होंगे, हर कोई प्रार्थना करेगा, लेकिन एक और चीज है, एक और सीख हमको मिलती है कि वो कल रैली कर रहे थे, परसों रैली कर रहे थे, उससे पहले रैली कर रहे थे, ऐसे रैली इस वक्त करने से जब हर जगह कोरोना के केसेस मिल रहे हैं तो बीजेपी को भी बचना चाहिए या नहीं कविंद्र भाई? आप क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो सकता, आप इस चीज को समझते होंगे, कितनी भी कोशिश करें। लेकिन आप हमारी रैलीज को देखेंगे अगर थोड़े से ध्यान से, हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता लोग, हमारे युवा मोर्चा के लोग, और अगर रैलीज हो भी रही हैं उत्तर प्रदेश में तो एक तो उन इलाकों में हो रही हैं जहां पे कोरोना का प्रकोप नहीं है, तो बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, और शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और लोकल दल बल का एक 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 मानसिकता है जिसको हमें तोड़ना पड़ेगा। हम राष्ट्र की राजनीति यदि कर रहे हैं तो प्रदेश स्तर पे उसको उतारने में थोड़ा समय लगेगा। और जहां तक कोविड प्रोटोकॉल्स की बात है, हमारा युवा मोर्चा और जो लोकल सेवा दल हैं वो सारे लोग मिलकर सभी को रैली में आने वाले लोगों को कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो उनको मास्क दे दिया जाए, और जो रैली में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पे सैनिटाइजेशन हो और साफ सफाई का बंदोबस्त रखा जाए। तो एक कुल मिलाकर आपकी बात में दम है, सिक्के का एक पहलू है कि रैलियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल दल बल का एक एक मानसिकता है और उनको उनको वो चीज जरूरी लग रही है तो वो कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान रखा जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का प्रकोप बहुत ही गलत प्रकोप है, हमारी इकोनॉमी शटडाउन हो जाती है, हमारी जिंदगियां शटडाउन हो जाती हैं, रुक जाती हैं। आप लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक स्टूडियोज में नहीं आ पाए, घर घर से बैठ के मोबाइल कैमरे पे आप लोगों ने शूटिंग करी जनता को आवाज पहुंचाने के लिए, खबरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये चीज सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, राजनीतिक पहलू भी है और सामाजिक पहलू भी है। कभी कभी राजनीतिक पहलू थोड़ा सा ऊपर वेट ले जाता है और कभी सामाजिक पहलू थोड़ा सा ज्यादा ले जाता है। तो उसमें मेरे ख्याल से हम लोगों को सभी को एक समाज के तौर पे उसको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ना तो राजनीतिक कोई दल इसके अंदर, भाजपा राजनीतिक रूप से इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ना ही जनता रहेगी। चलिए ठीक है, मतलब एक मिला जुला इफेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हालांकि अनुरोध प्रताप सिंह जी पहले चले गए, लेकिन उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल जी की रैली में आप गए थे तो खुद को क्वारंटीन कर लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गए हुए भगवंत मान, संजय सिंह, तमाम अन्य लोग अब मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो कल तक अरविंद केजरीवाल साहब के साथ हैं। और अब क्वारंटीन का वक्त है, लेकिन वो क्वारंटीन ना करते हुए रैलियां कर रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सब क्वारंटीन हो जाइए, अपना टेस्ट कराइए। लेकिन उनके साथ के लोग, उनके साथ ही जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर एक लाइन आज बड़ी अच्छी लगती है, हालांकि साउथ इंडियन है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। उनका कहना है कि डोंट ट्रबल द ट्रबल, इफ यू ट्रबल द ट्रबल, ट्रबल विल ट्रबल यू, एंड आई एम नॉट द ट्रबल, आई एम द ट्रुथ। मजाकिया है लेकिन ठीक, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात, शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।